दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये केमिस्ट्री बेसिक्स की जो सीरीज़ है, ये उसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट 4। और टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद किए बिना। आइसोमेरिज्म जो टर्म है, उसमें एक आइसो और एक मर। आइसो का मतलब है सेम और मर का मतलब है पार्ट। केमिस्ट्री में बहुत सारे टर्म्स हैं जिसमें आइसो टर्म से उसकी स्टार्टिंग होगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आइसो होता है उसका मतलब सेम होता है। कहीं पर भी अगर आइसो लग रहा है, जैसे आइसोमर, आइसोबार, आइसोटोन, तो इस तरह से कई टर्म्स मिलेंगे जिसमें आइसो लगेगा। आइसो का मतलब सेम होता है और मर का मतलब यहाँ पर पार्ट होता है। और यहाँ पर पार्ट का मतलब क्या है वो आपको डेफिनेशन से समझ में आएगा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, कुछ सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर क्या होना चाहिए? मॉलिकुलर फार्मूला। और कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, तो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए। आर कॉल्ड, ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं, आइसोमर्स। और ये फिनोमेना या ये कॉन्सेप्ट या ये प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से इसकी डेफिनेशन को आप याद कर लें। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसकी कंडीशन आइसोमर होने के लिए क्या होती है? मान लीजिए आपको कोई दो कंपाउंड दिए गए हैं, आपको जानना है कि क्या ये दोनों आइसोमर हैं। तो अगर है तो उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो उसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ये फार्मूला है। और दूसरा, उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर दोस्तों दो तरह के होते हैं, 2D होता है और 3D होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो स्ट्रक्चर में कोई अगर डिफरेंस होगा और मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा तो ही वो आइसोमर्स होंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया C2H5OH, मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया CH3COOH। आपसे पूछा गया कि क्या ये आइसोमर है, तो पहली कंडीशन क्या है, आप मॉलिकुलर फार्मूले के बारे में सोचिए। मॉलिकुलर फार्मूले का मतलब है कार्बन 2 है, इसमें 2 है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 हुआ, तो C2H6 और 1 O हो गया। इसका मॉलिकुलर फार्मूला C2H6O हुआ। इसका चेक करते हैं, इसका मॉलिकुलर फार्मूला कार्बन 2 तो C2 हो गया, हाइड्रोजन 3 और 1 4 H4 हो गया, और ये 2 ऑक्सीजन हो गए, ये O2 हो गया। ये दोनों फार्मूलों में डिफरेंस नज़र आ रहा है तो ये आइसोमर नहीं हो सकते हैं। पहले हमको पहली कंडीशन चेक करनी है, फिर दूसरी कंडीशन चेक करनी है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आपको दो कंपाउंड का पेयर दिया गया है तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि क्या वो, उनको हम दोनों के मॉलिकुलर फार्मूले सेम हैं। अगर सेम हैं तो फिर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा और वो आइसोमर कहलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि कितने तरह का होता है। ये एक केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है और बेसिकली ये 10th, 11th, 12th तीनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन 11th, 12th के लिए तो बेहद ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो ये पहले नंबर पे इसकी आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरे नंबर पे जो इसका है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, जिसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगे वो कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, जिसको पढ़ने में कम वक्त लगे वो असल कॉन्सेप्ट होता है, वो एलिमेंट होता है। आपको वो पकड़ने की ज़रूरत है, आपको पूरा रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा पर्वत लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो संजीवनी बूटी की तलाश होनी चाहिए। तो आपको संजीवनी बूटी निकाल के दे रहा हूँ, आप इतना पढ़िए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करिए, काम ख़त्म आपका। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट क्या होता है? तो इसके अंदर जो डिफरेंट होता है वो होता है 2D स्ट्रक्चर
या फिर हम उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं, या फिर हम उसको बॉन्ड फॉर्मूला भी कहते हैं, और कभी कभी तो हम उसको लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और यही डिफरेंट नेम्स हमको पागल कर देते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि केमिस्ट्री में हर कंपाउंड के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो उसका स्ट्रक्चर है, और उनके स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, हमारे तुम्हारे स्ट्रक्चर की तरह। एक 2D स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादातर डिटेल हमको मिल जाती है, और दूसरी होती है उसका 3D स्ट्रक्चर जिसमें हमको कुछ खास स्पेसिफिक टाइप की डिटेल्स मिलती हैं। ऐसा ही केमिस्ट्री में भी। तो 2D स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉन्ड फार्मूला और लुईस स्ट्रक्चर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, दो तरह का होता है। एक कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये दो टाइप आपके ये हो गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले क्या डिफरेंट होता है, तो इसमें 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और 3D स्ट्रक्चर का जो दूसरा नाम होता है उसको कहते हैं हम स्पेशियल अरेंजमेंट। देखिए ये नाम आपको जानने बहुत ज़रूरी है, ये अगर आगे आएंगे तो आपके दिमाग को वह बेहद ख़राब करेंगे। तो आप ध्यान से इनको समझिएगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के दो टाइप हो गए। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होती है उसमें डिफरेंट क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला या बॉन्ड फार्मूला या लुईस स्ट्रक्चर। अब आपने पूछा सेम क्या होता है, तो भैया वो तो मॉलिकुलर फार्मूला होता है, वो तो एक कॉमन चीज़ है, कॉमन फीचर है। फिर स्टीरियो में 3D स्ट्रक्चर या स्पेशल अरेंजमेंट, या एक नाम उसके लिए हम और लेके चलेंगे मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। ये टर्म जैसे आप सुने तो आप समझ जाइए कि आप 3D केमिस्ट्री में हो। 3D की दुनिया वैसे ही बड़ी मुश्किल और बेहद जटिल होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट जो होता है वो मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसकी ज्योमेट्री पूरी तरीके से, और उसका 3D स्ट्रक्चर मान लीजिए। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट होता है बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो लाइट हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी लाइट कहलाती हैं, लेकिन ये खास किस्म की लाइट होती हैं जिनको पोलराइज़र या निकोल प्रिज्म, इनके ज़रिए ऑर्डिनरी लाइट को उससे पास करते हैं और जो बाहर निकलती है वो होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ख़ास किस्म की लाइट होती है और उसके रिस्पेक्ट में जो इनके बिहेवियर हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी टाइप्स होते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये 6 टाइप्स के होते हैं। तो अब मैं आगे आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में आगे के पार्ट में बताऊंगा। दोस्तों पढ़िए ध्यान से, मन लगा के, छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए और अपने क्लास में टॉप 5 में या टॉप 10 में ज़रूर आइए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद दोस्तों, और आज विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय हिंद।